राजस्थान न्यूज। मामलिया है और जोधपुर जिले में राजपूत समाज है वो कोई पड़ना में बटा हुआ है। आज लगभग 200 गांव का लोग आया, किसी गांव दो किसी गांव एक, और मुख्य जो को मुद्दों है राजपूत समाज पहले बीजेपी के हाथे होती है और गुजरात में रूपाधारी जिन तरह की गतिविधि रही उन राजपूत समाज आज बड़ो आक्रोशित है और भाजपा को वोट देना पहले जो दिया है उसका पछताप है और अब भविष्य में देंगे नहीं, शपथ पूर्वक ये तय करके जा रहे हैं यहाँ से। राजपाल व्यक्तिगत बातें अलग होती है, भाजपा को वोट राजपूत समाज अब देंगे नहीं। ओके सर, मैं अध्यक्ष पद पर अभी मौजूद हूँ। हमारे समाज का आक्रोश बीजेपी के खिलाफ खूब नजर आ रहा है क्योंकि गुजरात के अंदर भूकंप आज के जो कार्यक्रम की बात करें, क्या कार्यक्रम था आज, क्या सभा थी और क्या निर्णय लिया गया? सभा क्या उसके विरोध में प्रदर्शन था, भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, शपथ भी उन्होंने कहा। हमारे समाज के ऊपर जो लांछित शब्दों ने जिस व्यक्ति ने झूठ किया उसके विरुद्ध जाएगी, भूल हमारी हो गई भूल। आज जो निर्णय लिया गया समाज की तरफ से, वो कहाँ कहाँ से लोग आए थे, कितने खेड़ों से लोग आए थे और क्या निर्णय लिया गया? पूरा मारवाड़ जोधपुर से आए थे, पूरे जोधपुर जिले से, चौरासी गांव पूरे जोधपुर के थे जिले के। विरोध जो है भाजपा का है या गजेंद्र सिंह शेखावत का है? पार्टी का विरोध तो समाज के प्रति जिसने अपशब्द किया उसका विरोध है, पार्टी का किसी का विरोध नहीं करते, किस लिए करते? समाज के विरोध जिसने जो कदम उठाया उसका भयंकर विरोध है। आने वाले 24 तारीख को 26 तारीख को जो है वो समाज किस और मतदान करेगा? जिसके विपरीत करेगा। ठीक है, शपथ लेते हैं कि क्षत्रिय कुल पूर्ण समाज क्षत्रिय भाजपा को हम वोट नहीं देंगे। हमारा क्षत्रिय समाज पूर्ण रूप से बोल भारत माता की जय, राजपूताना जय, राजपूताना जय, जय भवानी जय, जय भवानी। मैं मारवाड़ राजपूत सभा उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ढोलकिया। आज हमारे यहाँ कृष्ण विश्राम भवन में समाज की मीटिंग हुई जिसमें 84 खेड़ों के जो जितने भी गणमान्य लोग हैं वो सब पधारे यहाँ, और जो पुरुषोत्तम रूपाला ने जो बयान दिया था गुजरात के अंदर जो राजकोट से सांसद प्रत्याशी है उसके विरोध में हमारे समाज में पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि MP UP गुजरात सब जगह विरोध हो रहा है। तो हमारी भी एक जो संस्था है कृष्ण विश्राम भवन के अध्यक्ष प्रताप सिंह जी खाराबीरा के नेतृत्व में यहाँ पूरे समाज के लोग इकट्ठे हुए और उसमें खासकर जो सत्राणियाँ जो आई है उनका भी भारी रोष था कि भी हमारे समाज के बहन बेटियों के खिलाफ जो बयान दिया है उस बयान के खिलाफ है और ये जो मैसेज जो जाएगा एक पार्टी के खिलाफ जाएगा। मतदाता के मन में ये है कि जो पार्टी के पदाधिकारी है, जो पार्टी हमारे जो खिलाफ बोल रहे हैं उसी के खिलाफ हम मतदान करेंगे। राजपूत समाज ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है, बिल्कुल आपका इस बार समाज किधर जाएगा? बिल्कुल आपकी बात कहने सही है कि राजपूतों ने हमेशा बीजेपी को वोट दिया, लेकिन जो अभी हमारे यहाँ जो एक मुद्दा उठा हुआ है वो एक पार्टी के खिलाफ उठा हुआ है और ये पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा समाज की बात करें तो समाज कहीं कहीं पिछड़ापन की ओर जा रहा है, समाज बिल्कुल, तो इसके पीछे राजनीतिक कारण मानते हैं क्या? बिल्कुल राजनीतिक कारण है। हमारे समाज जो 90% बीजेपी को वोट करता है और शुरू से लेकर आज तक दिए है, लेकिन पार्टी ने राजपूत को किनारा धीरे धीरे किनारा करते जा रहे हैं, इसके लेके राजपूत में और खास करके युवाओं में बहुत ही ज्यादा रोष है। और सबसे हमारा बड़ा मुद्दा है जो आरक्षण वाला, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरलीकरण हुआ है उसका सरलीकरण नहीं होने का हमारे जो समाज के जो नेता है उन्होंने कहीं आवाज़ नहीं उठाई है, इसी वजह से जो युवाओं में जो रोष है वो सबसे ज़्यादा आरक्षण वाला है। क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने तो 10% जो आरक्षण EWS जो दे रखा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी अभी तक कोई आवाज़ उठाने वाले नहीं है, ना हमारे समाज की किसी नेता ने आवाज़ उठाई है, इसलिए हमारे समाज में भारी रोष है। आज की जो सभा की बात करें तो दूर दराज से लोग आए थे, उन्होंने अपनी समस्याओं से भी संघ को और समाज को अवगत कराया, क्या समस्याएं थी? समस्या देखो, अब हमारे जो यहाँ से MP साहब है गजेंद्र सिंह शेखावत जो पिछले 10 साल से मंत्री है और उनका जो मंत्रालय है जल शक्ति मंत्री है, तो ये तो अभी समाज के अंदर जो भी युवा आता है जो भी गांव से आता है उनको सबको पता है कि हमारी क्या समस्या है। मेन समस्या आदमी की होती है पानी और बिजली की, और जो बिजली के जब कैबिनेट मंत्री होते हुए भी यदि पानी की समस्या को समाधान नहीं कर पाए तो वो जनता में बहुत भारी रोष है।
और हमारे समाज में बहुत भारी रोष। थैंक यू सर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहें नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।